Okay, so from class 9th we have chapter number 3 और यहां से पहला जो टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, ये पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी क्या चीज है ये सारा पढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे मेजर वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करते हैं, 4-3। और आखिर में भी देखेंगे रिलेशन क्या है बायोडाइवर्सिटी बीडी को। मैं शॉर्टकट में बायोडाइवर्सिटी को क्या लिखता हूँ, बीडी। बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल इकोसिस्टम में क्या रिलेशन है, ये आपकी बुक में ये 4 टॉपिक्स मौजूद है जो अभी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का पहला मैं तारुफ कुछ इस तरह से कर रहा हूँ कि हमारे दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के जानदार रहते हैं, जिंदा चीजें रहती हैं, ठीक है। एक तरह के तो नहीं है ना, आप देखो जंगलात है, पानी के अंदर आपको मछली नजर आएंगी, बहुत से मुख्तलिफ किस्म के फिश आपको नजर आएंगे, पहाड़ में मुख्तलिफ किस्म के जानदार आपको नजर आएंगे, जमीन पर भी आपको मुख्तलिफ किस्म के जानदार नजर आएंगे। तो पूरी दुनिया में एक तरह के जानदार तो नहीं है बल्कि मुख्तलिफ किस्म के जानदार रहते हैं। हत्ता के प्लांट्स भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स हैं। मतलब कहीं पर आप देखो तो सेब के दरख्त है, तो कभी देखो आम के दरख्त है, ऑरेंज है, तो कहीं पर जो है आपको गंदम नजर आ रहा है, तो कहीं पर आपको चावल नजर आ रहा है, कहीं पर आपको टोमेटो नजर आ रहा है। ओवरऑल हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स मौजूद हैं और मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स मौजूद हैं। अगर सवाल आ जाए व्हाट इज फ्लोरा एंड फाउना, तो आप देखिए फाउना किसको कहते हैं। फाउना किसी भी इलाके में जो एनिमल्स रहते हैं उनको फाउना बोलते हैं। मैं स्टार पॉइंट लगाता हूं हम लोगों के लिए। अगर आपको ये लफ्ज नजर FAUNA फाउना इज व्हाट इज फाउना, तो हम क्या कहेंगे किसी भी इलाके में जो जानदार रहते हैं ना, एनिमल्स जो रहते हैं उनको क्या बोलेंगे, फाउना। बलूचिस्तान का फाउना क्या हो सकता है, सारा नहीं बताओ कुछ बताओ। मारखोर और भी जानदार तो है ना, बलूचिस्तान सिंध में चले जाए, पंजाब चले जाए, केपीके चले जाए, खास किस्म के एनिमल्स तो होंगे ना। अब यहां पर आपको क्या मिलेंगे, हमारे पास है ना बलूचिस्तान में जो है रैबिट है बिल्कुल, तो ये हमारे पास और भी बहुत सारे एनिमल्स है, सब के सब हमारे इलाके का फाउना कहलाएगा। इसी तरह जब आप किसी दूसरे मुल्क में चले जाए, अफ्रीका चले जाए, ऑस्ट्रेलिया चला जाए, तो वहां के फिर अलग से एनिमल्स होंगे कि नहीं होंगे, थोड़े बहुत ऐसे एनिमल्स होंगे जो हमारे यहाँ पर हम भी देखते हैं, लेकिन वहां के फिर मखसूस एनिमल्स होंगे, जैसे कि कैंगरू उधर है इधर नहीं है। तो बहरहाल वो कैंगरू उसके ऑस्ट्रेलिया का फाउना में शामिल है। फाउना मीन्स किसी भी इलाके में एनिमल्स, तमाम के तमाम एनिमल्स को क्या कहते हैं, फाउना के। अब दूसरा लफ्ज क्या है, फ्लोरा। एक तो फ्लोरा आजकल आप देख रहे हैं ये जो जूस मिल रहा है, बड़ा मशहूर दुकान है फ्लोरा, वहां पर हम लोग कहते हैं फ्लोरा नाम से जूस है। लेकिन बायोलॉजी में फ्लोरा का मतलब ये है कि किसी भी इलाके में जितने भी तमाम के तमाम प्लांट्स जो है, तो क्या लिखेंगे फ्लोरा के सामने क्या लिखेंगे, प्लांट्स। किसी भी इलाके में तमाम के तमाम प्लांट्स को क्या बोलेंगे, फ्लोरा, और एनिमल्स को बोलेंगे फौना। ये आ गए आपके, ये दो चीजें भी हो गए। अब बायोडाइवर्सिटी की तरफ दोबारा से वापस आ जाते हैं कि किसी भी इलाके में, अगर इलाका ना हो तो पूरी दुनिया में जितने भी जिंदा चीजें हैं, प्लांट्स और एनिमल कुल मिला के, सबके सब को कुल मिला के वो क्या बनाएगा, बायोडाइवर्सिटी। अगर मैं आपके सामने दुनिया का एक छोटा सा नक्शा लिख दूं, ये मेरे पास क्या है, दुनिया का एक नक्शा है, तो इस दुनिया में आपको पहाड़ नजर आएंगे, जंगलात नजर आएंगे, पानी नजर आएगा। खासकर लिविंग थिंग की मैं बात करो, पानी तो लिविंग नहीं है ना, पानी तो लिविंग नहीं है। लिहाजा आप लोग बायोडाइवर्सिटी में किसकी बात करेंगे, लिविंग थिंग्स की आप बात करोगे, जिंदा चीजों की बात करेंगे। तो दुनिया में जितनी भी मुख्तलिफ किस्म की जिंदा चीजें, जंगलात, गाय, भेड़, बालू, ठीक है, शतरमर्ग है, चूहा है, इंसान है,
शेर है, ये तमाम के तमाम जानदार जो पूरी दुनिया में छा गए हैं, चाहे वो पानी के अंदर हो या जमीन, वो खुश्की पर हो या वो पहाड़ के अंदर या वो हवा में हो, पहाड़ के अंदर जहां पर भी आपको जानदार नजर आए, उन सबको मजमू तौर पर क्या कहेंगे? बायोडायवर्सिटी। तो आपकी किताब में जो डेफिनेशन है वो क्या है? टोटल वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, टोटल वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये आपका जमीन है, ठीक है, इस पर आपको जो जो भी जानदार नजर आ जाए, यानी लाइफ, लाइफ का मतलब क्या है? जिंदगी। आपको जहां जहां नजर आ जाए वो सब किस में आ जाएगा? बायोडायवर्सिटी। अब देखिए, एक शख्स कह रहा है, इधर एक इलाका है इलाका ए और इधर एक दूसरा इलाका है, इधर एक दूसरा इलाका है इलाका बी। एक शख्स कह रहा है कि इलाका ए का बायोडायवर्सिटी कम है और इलाका बी का बायोडायवर्सिटी ज्यादा है, तो आप उसके बात को कैसे समझ पाओगे? उधर वैरायटी कम है। शाबाश, एग्जैक्टली आपने कहा। अगर मेरे को, अगर कोई शख्स कहे कि यहां पर बायोडायवर्सिटी कम है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर जानदार की तादाद कम है, तादाद और किस्में कम है। जब आप सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में जाओगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? तादाद और किस्में, उनको मजमू तौर पर बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि यहां पर तादाद कम है, किस्में कम है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि यहां पर बायोडायवर्सिटी ज्यादा है, तो उसका मतलब ये है कि यहां पर मुख्तलिफ किस्म के जानदार रहते हैं। अब एक और आसान सा एग्जाम्पल मैं बताता हूं। इस कमरे में, मिसाल के तौर, इस कमरे में हमने देखा कि यहां पर इंसान है और हमारे इंसान के साथ इधर दो तीन बिल्ली है, दो चार चूहे हैं, ठीक है। इस कमरे में इंसान है, बिल्ली है, चूहे हैं। तो यहां की बायोडायवर्सिटी क्या है? इंसान प्लस चूहे प्लस बिल्ली, ये आगे ना, उसकी तादाद भी आप जगह रहे, हमारे पास स्टूडेंट्स है और वो है। अब इस कमरे से दूसरे कमरे में जब लेट सपोज आप चले जाएंगे, वहां पर इंसान भी है, वहां पर बिल्ली भी है, वहां पर चूहा भी है, वहां पर कॉकरोच भी है, वहां पर सांप भी है, तो चिपकली भी है, तो इस कमरे के निस्बत उस कमरे की बायोडायवर्सिटी ज्यादा है, इस कमरे की बायोडायवर्सिटी कम है। समझ आया? तो अब आप लोग दिमाग में ये भी सोच सकते हैं कि एक इलाके की बायोडायवर्सिटी, पूरे इलाके की अपनी बायोडायवर्सिटी है बनिस्बत दूसरे इलाके की। अब क्वेटा का बायोडायवर्सिटी देखे और दूसरा इलाका खानोजी ले ले, लेट्स सपोज, जहां पर बहुत सारे बागात हैं, ठीक, वो आप ले ले, या आप चले जाए नॉर्दर्न एरियाज की तरफ चले जाए, वहां पर आपको जंगलात मिलेंगे, जंगलात मुख्तलिफ किस्म के जानदार मिलेंगे, तो वहां पर जो जंगलात है क्वेटा के मुकाबले में उसकी बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी। अब सवाल ये है कि बायोडायवर्सिटी कितनी किस्म की है, टाइप्स। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या चीज, टाइप्स। हमारे पास बायोडायवर्सिटी जेनेटिक्स में है, नंबर दो स्पीशीज में है, और इकोसिस्टम। जेनेटिक्स जीन के लिहाज से, किसके लिहाज से? जीन के लिहाज से, यानी डीएनए के लिहाज से। एक जानदार है, उसका डीएनए दूसरे जानदार से डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। एक जानदार है, उसका जीन या डीएनए दूसरे जानदार से डिफरेंट है। अब आप लोग परेशान मत हो कि ये डीएनए फिर क्या चीज है, जीन फिर क्या चीज है। हर जिंदा जिस्म के अंदर क्रोमोसोम होता है, सेल के अंदर, उस क्रोमोसोम के अंदर क्या पड़ा है? डीएनए पड़ा है। डीएनए के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स, इसको क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। और शॉर्टकट में जीन हमारे यूएसबी है, जिसे आप लोगों जेब में यूएसबी घुमा के बैठते हैं ना, यूएसबी में आप क्या करते हो, डेटा स्टोर करते हो, बुक्स डालते हैं, म्यूजिक डालते हैं, बहुत सब चीजें उसमें ऐड करते हैं, वो आपका स्टोरेज डिवाइस है ना, और ले भी जाते हैं। हमारे जिस्म का भी इस तरह से मालूमात का स्टोरेज है डिवाइस, इट्स कॉल्ड
डीएनए। सो बहरहाल अब देखिए, एक इंसान का डीएनए दूसरे इंसान से डिफरेंट है, बकरी का डीएनए गाय से डिफरेंट है, गंदम का डीएनए चावल से डिफरेंट है, समझ आ रही? तो इस इख्तिलाफ को क्या बोलते हैं? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। अब आ जाओ दूसरी की तरफ। स्पीशी का मतलब है कि मुख्तलिफ किस्म के जानदार जो आपस में तो एक जैसे हों, आपस में बच्चे भी दे सकते हों, उनको हम लोग स्पीशी बोलते हैं। अब तमाम के तमाम इंसान आपस में एक जैसे हैं कि नहीं है? लेकिन आपस में बच्चे भी दे सकते हैं ना, मेल फीमेल, तो इंसान सब क्या है? एक स्पीशी है। तमाम के तमाम गाय अलग स्पीशी है, बर्ड्स एक अलग स्पीशी है, एंड सो ऑन। तो हमने ये देखा कि एक किस्म का जानदार दूसरे से डिफरेंट है। इंसान डिफरेंट है गाय से, इंसान एक स्पीशी है, गाय काओ दूसरा स्पीशी है। तो इसको फिर क्या का नाम देंगे? स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। स्पीशीज बायो डाइवर्सिटी, स्पीशीज के लिहाज से भी आप एक स्पीशी दूसरी स्पीशी जा सकते हैं। सांप क्या है? एक अलग स्पीशी है, क्योंकि तमाम के तमाम मतलब अक्सर सांप जी एक जैसे होते हैं, मतलब ये नहीं कि दुनिया जहां में तमाम के तमाम सांप एक जैसे हो, सांप में भी इख्तलाफ आते हैं, लेकिन सांप का अपना एक खानदान है। आप सांप को एक स्पीशी भी कह सकते हैं, इंसान को आप एक स्पीशी कह सकते हैं, चावल को एक स्पीशी कह सकते हैं। चावल के अंदर फिर मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज भी आ जाएंगे, कद्दू भी एक स्पीशी है, पोटैटो भी एक स्पीशी है, तो सब आपस में डिफरेंट है कि नहीं है? अब लास्ट में क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? एक इलाका जिसको आप लोग उर्दू में क्या बताओगे? रीजन। उस इलाके में जिंदा चीजें भी हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और साथ साथ उसका अपना माहौल भी है। क्या है? माहौल भी है। उस माहौल को क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम का कम्युनिटी का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? कम्युनिटी। लेकिन इस इलाके के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मुख्तलिफ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो यहां पर मैं इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं? डिफरेंट स्पीशीज लिख देते हैं, बस ये काफी होगा। डिफरेंट स्पीशीज लिविंग टुगेदर। क्या? लिविंग टुगेदर, मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज एक साथ रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे? इको सिस्टम। ज्यारत का नाम सुना है? ज्यारत इलाका है, एक ज्यारत एक डिस्ट्रिक्ट है। अब ज्यारत में जाओ, ज्यारत के अंदर खास किस्म के दरख्त है, खास किस्म के जानदार है ना, तो वो ज्यारत का इकोसिस्टम है। क्वेटा का अलग है, तो क्वेटा में मुख्तलिफ किस्म के जानदार रहते हैं ना। अब आप देखो, क्या पूरी दुनिया में सिर्फ एक तरह का इकोसिस्टम है? नहीं, आप पूरी दुनिया में जाओगे तो कहीं पर आपको जंगलात नजर आएंगे। तो जंगलात एक इकोसिस्टम है, लेकिन आप दुनिया के किसी दूसरे हिस्से पर जाओगे आपको आपको सहारा नजर आ जाएगा, डेजर्ट। क्या नजर आएगा? डेजर्ट। डेजर्ट में भी जानदार होते हैं यार, जंगल में भी जानदार होते हैं। तो जंगल डिफरेंट है डेजर्ट से या नहीं? एक ऐसा भी इलाका है जो ना तो जंगल है ना मुकम्मल तौर पर डेजर्ट है, थोड़ा बहुत हम उसको ग्रास लैंड भी कह सकते हैं, समझ आ रही? तो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के इकोसिस्टम्स होते हैं। क्या? इकोसिस्टम्स होते हैं। अब उन मुख्तलिफ इकोसिस्टम को हम लोग क्या नाम देंगे? इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। चले जनाब, ये आपका हो गया। अब यहां पर आ जाते हैं मेजर वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जमीन पर कितने किस्म के जानदार रहते हैं? अगर आप, ये आपका जमीन है, तो आपको इस जमीन में आपको कितने किस्म के जानदार आपको मिलेंगे, तो वो हम आपको बताएंगे कि भाई कौन कौन सी वैरायटी है। उसका जवाब ये है कि आपकी पूरी जमीन पे दो बड़े डिविजन्स हैं, बल्कि तीन आ गए। एक का नाम है प्रोकैरियोट्स, जिसका कल हमने जिक्र किया था, कल वाले लेक्चर में हो गया था। प्रोकैरियोट्स ये एक किस्म का खानदान है। दूसरा जो है वो कौन सा है?
यू कैरियोट्स, ये इसका भी जिक्र हो चुका है। थर्ड जो है हमारे पास क्या है, वायरसेस। हमारे पूरी जमीन पर सुने गौर से तीन तरह के बड़े बड़े खानदान रहते हैं, तो उसका नाम क्या है, मेजर वैरायटी ऑफ लाइफ। मेजर का मतलब क्या है, बड़े बड़े ग्रुप्स। पूरी जमीन पर ये तीन बड़े ग्रुप्स आपको नजर आएंगे, प्रोकैरियोट्स, तमाम के तमाम जरासीम वगैरह बैक्टीरिया जो है वो इस खानदान में है। यूकैरियोट्स, ये आपको मैं यहां पर बताता हूं यूकैरियोट्स में कौन कौन सी चीजें हैं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे गिरा देता हूं। यूकैरियोट्स में क्या है, आपका फंजाई है और आपका प्रोटिस्ट्स हैं और कौन से है, प्लांट्स है और एनिमल्स है। ये चार जो बड़े बड़े ग्रुप्स है, इसका भी कल के लेक्चर में जिक्र हो चुका है। प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्ट, ये चार के चार क्या है, यूकैरियोट्स है। और यहां पर कौन थे, बैक्टीरिया, वायरसेस। तो आपको पता है वायरसेस सारी दुनिया में जितने भी वायरसेस उसका अपना एक खानदान है। तो ये तीन बड़े बड़े मेजर वैरायटी ऑफ लाइफ है ऑन अर्थ के ऊपर। ये चार ग्रुप्स कहां पर है, यूकैरियोट के अंदर है। हम लोग किस कैटेगरी में है, हम लोग हम खुद क्या है, एनिमल्स में आ रहे हैं ना, तो ये सारे के सारे यूकैरियोट के अंदर है। साइंटिफिकली हम लोग एनिमल के अंदर आ रहे हैं, वैसे एनिमल नहीं है क्योंकि यू आर एन एनिमल, बुरा लगता है ना, बट साइंटिफिकली वी आर मोस्ट एडवांस एनिमल। कि इंसान को हम एनिमल नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कहते। दुनिया जा के आप एनिमल को, जानदार को आप एनिमल कह दे, इंसान एक अलग मखलूक, एक स्पेशल मखलूक है। अच्छा जनाब, अब आते हैं फैक्टर्स की तरफ। मतलब आपका ये दुनिया है, समझ आ रही है, दुनिया है, इधर एक इलाका है, इधर दूसरा इलाका है, इधर एक और इलाका है, इधर एक और इलाका है, मुख्तलिफ किस्म के इलाके हैं। सारे इलाके एक तरह के हैं, कुछ इलाकों में जंगलात ज्यादा होंगे तो कुछ में जंगलात कम होंगे, पानी होगा कुछ में, सहारा होगा कुछ में, ग्रास होगा, इस तरह से। ऐसा क्यों हुआ, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स है जो जमीन पर बताते हैं कि इधर जो है, इधर जो है इकोसिस्टम ज्यादा होगा, इधर डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, कौन कौन सी चीजें बताते हैं हमें, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उनको बोलते हैं फैक्टर्स। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी दुनिया में बताते हैं कि इधर डाइवर्सिटी कम होगी या ज्यादा होगी। इसमें सबसे पहला क्या है, टेम्परेचर है। द फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर, द फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ टेम्परेचर होता है, समझ आ रही है, कीप इन माइंड। इसीलिए वहां का इलाका भी मुख्तलिफ होगा, उसके जानदार भी मुख्तलिफ होंगे। जी हाँ, पहला आपने सिर्फ नाम याद रखना है, टेम्परेचर, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, आप पूछोगे कौन से। एल्टीट्यूड, हमारी जमीन पर ये आपका अर्थ है। आप लोग ऊपर भी जा सकते हैं और साइड भी जा सकते हैं, मोस्टली साइड भी जा सकते हैं। कहते फलाना इलाका जमीन के सतह से बहुत ऊपर है, सुना है आप लोगों ने ऐसा? आप कहते भाई वो फलाना जो मुल्क है, फलाना मुल्क है वो जमीन के सतह से ऊपर है, कुछ नीचे है। तो ये भी है कि जमीन पर ऊंच नीच आते रहते हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं कि वो सतह से ऊपर होते हैं, वहां के जानदार कुछ और होते हैं, और कुछ ऐसे इलाके जो जमीन के सतह से नीचे होते हैं वहां के जानदार कुछ और होते हैं। लिहाजा ये भी एक फैक्टर है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मोस्टली जब आप ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। उसके बाद है मिट्टी, मुख्तलिफ इलाकों में मिट्टी मुख्तलिफ होती है। जहां मिट्टी मुख्तलिफ होता है वहां के जानदार भी डिफरेंट होते हैं। अब आप चले जाओ, आप जंगलात में चले जाओ, जंगल वाले इलाके में चले जाओ, जंगल वाले इलाके की मिट्टी कुछ और है, डेजर्ट में चले उसकी मिट्टी कुछ और है, पंजाब की मिट्टी कुछ और है, बलूचिस्तान की मिट्टी कुछ और है, ऐसा कि नहीं? पंजाब में कुछ किस्म के फ्रूट्स के पिके और पंजाब में कुछ खास किस्म के फ्रूट बन सकते हैं जो यहाँ नहीं बन सकते हैं, लेकिन यहाँ जो फ्रूट है वो वहाँ नहीं है। वजह क्योंकि मुख्तलिफ किस्म का सोयल है और टेम्परेचर है, वहाँ का टेम्परेचर कुछ और, यहाँ का टेम्परेचर कुछ और। लिहाजा जमीन पर मुख्तलिफ जगहों पर जानदार मुख्तलिफ होंगे, वो टेम्परेचर भी उसको मालूम डिटरमाइन करेगा, एल्टीट्यूड भी बताएगा और साथ साथ सोयल बताएगा, साथ साथ जियोग्राफी।
जियोग्राफी का मतलब यह है कि जमीन पर मुल्क की पोजीशन, एक मुल्क यहां पर है, इलाका है, दूसरा इलाका इधर है, तीसरा इलाका इधर है, इसको आप लोग बाकायदा उसमें पढ़ोगे कि ये आपका जमीन है, जमीन के बिल्कुल सेंटर में हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन का मतलब क्या है, इक्वेटर, सब इसको याद रखिए, कौन सा लाइन है, बिल्कुल बीच में, इसको इक्वेटर, और ये जो साइड वाला इलाका है, ऊपर वाला इलाका, दिस इज कॉल्ड पोलर रीजन, ये कौन सा इलाका है, पोलर, ये भी कौन सा इलाका है, पोलर। साइंटिस्ट कहती है कि हमारी जमीन पर सबसे ज्यादा खुशगवार हालात कहां पर है, खुशगवार हालात, कंडीशन इज वेरी गुड, वो ये इलाका है, ये इलाका, ये जो आप देख रहे हैं, पर इसको इक्वेटर नहीं कहते हैं, हाँ लाइन को इक्वेटर कहते हैं, लेकिन इधर जो इलाका है इसको मोस्टली हम लोग ट्रॉपिक इलाका कहते हैं, क्या बोलते हैं, ये क्लास 9 के लेवल पर हम जमीन के नक्शे को इतना ज्यादा तफसील से नहीं पढ़ सकते, लेकिन इतना सिर्फ इतना देख ले कि जमीन का दरमियान वाला जो लाइन है दिस इज कॉल्ड इक्वेटर लाइन, और इधर जो इलाका है इसको हम लोग किस बोलते हैं, ट्रॉपिक कर देते हैं, और ये काफी सूटेबल है, मतलब इधर आपको जंगलात मुख्तलिफ किस्म की आबादी मुख्तलिफ, यहां पर आपको ज्यादा मिलेंगे, ये सूट करता है जानवरों को, लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप यहां पर आ जाओगे, कौन सा इलाका है इसका, पोलर इलाका, इधर क्या होगा, इधर हालात बहुत सख्त है, कंडीशन बहुत डिफरेंट है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लू है, इसीलिए यहां पर आपको मुख्तलिफ किस्म ज्यादा नहीं, पोलर बेर यहां से ताल्लुक रखता है, बाकी जानवर आपको ज्यादा जानवर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यह था आपका रीजन, ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, रिलेशन रिलेशन बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल इकोसिस्टम, मतलब इन दोनों में क्या ताल्लुक है, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम में क्या ताल्लुक है, सवाल यह है कि हर जानवर अपने मखसूस इलाके में रहता है कि नहीं रहता है, जी। शेर को देखो उसका अपना इलाका है, जी। सांप का अपना एक खास इलाका होता है कि नहीं, जी। आम के दरख्त का अपना एक खास इलाका होता है, आम के दरख्त उधर से उठा के दल्ला उधर ग्रो कर सकता है, ग्रो नहीं करता, हर जानदार का अपना एक खास इलाका होता है, और साथ साथ अब ये देखिए कि बायोडाइवर्सिटी कहां पर ज्यादा है, ट्रॉपिकल इस इलाके में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और ये कम है, लोअर है, मतलब लोअर कम है किस रीजन में, पोलर रीजन, ये दो स्टेट, तीन स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, पहला क्या था कि हर जानदार एक खास इलाके में रहता है कि नहीं, ऐसे नहीं, हर जानदार एक खास इलाके में रहते, वो उसका अपना खास इकोसिस्टम रहता होगा। दूसरी बात हमने क्या देखी कि जो ट्रॉपिक इलाका है जमीन का, ये जो दरमियान वाला इलाका है, इधर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, गर्मी की वजह से नहीं, इसके अलावा यहां का कंडीशन अच्छा है, मतलब आब हवा टेम्परेचर ओवरऑल कंडीशन गुड, लेकिन दूसरा कहां पर है, कम कहां पर है, लोअर इन द पोलर रीजन भी, क्यों लोअर है, बिकॉज कंडीशन गुड नहीं है, सीवियर कंडीशन है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लू है, उतना ज्यादा मॉइस्चर नहीं है, उतना ज्यादा जो काम प्लांट को सपोर्ट कर सके, जो लाइफ को सपोर्ट कर सके, इसीलिए जमीन में जो पोलर इलाके होते हैं उधर आपको बायोडाइवर्सिटी कम मिलेगी, लेकिन ट्रॉपिक्स में आपको बायोडाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी। ये चार पांच लाइनें आपने कहां पे लिखनी है, रिलेशन बिटवीन द बायोडाइवर्सिटी एंड द नेचुरल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम तो यहां पर पहले से लिखा हुआ है, एन से मुराद नेचुरल इकोसिस्टम। इसके साथ ही ये टॉपिक्स यहां पर हम खत्म करते हैं, इंशाल्लाह कल आपसे नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात करेंगे।